हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई क्यू हेयर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीकेंड पे हमारी फैमिली का फार्म हाउस विजिट करने का प्लान बना, तो मैंने सोचा कि आप सबको भी अपने साथ विजिट करवा दूं। ये फार्म हाउस वांडापुर लाहौर के गांव छापा में है, जो कि नथोकी के करीब बीआरबी नहर के पास वाक़ है। बीआरबी नहर के मुतालिक आप में से शायद कुछ लोग जानते होंगे कि 1965 की जंग में हमारी बहादुर अफवाज के साथ साथ यहाँ के मकीनों ने भी मुल्क का दिफा किया। मैं आप लोगों के साथ अब रास्ते से लिए गए कुछ इमेजेस शेयर कर रही हूँ। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं फार्म हाउस में। ये फार्म हाउस की एंट्रेंस है और एंट्रेंस पर उन्हें कई फूल और पौधे लगाए हुए थे, और इन ही फूल और पौधों के बीचों बीच था यहाँ पर मौजूद स्विमिंग पूल, जिसका पानी बहुत ही साफ शफाफ था। और इसके राइट साइड पर एक पार्क था जिसके अंदर बहुत बड़ा पिंजरा बनाया गया था, और पिंजरे के अंदर बेतहाशा डिफरेंट तरह के बर्ड्स थे। तो आज की वीडियो स्पेसिफिकली बर्ड लवर्स के लिए है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में काफ़ी बर्ड्स की इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ। ये है मुर्गाबियाँ। ये उसी बड़े से पिंजरे के अंदर मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक सेपरेट पार्ट बनाया हुआ था और ये नीचे तालाब के अंदर तैर रही थी। और अब हम उस पिंजरे के अंदर मौजूद हैं। पिंजरे के बीचों बीच एक फाउंटेन लगाया गया था ताकि कलरफुल बर्ड्स को एक खूबसूरत एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स थे, जिनमें कॉकटेल, ऑस्ट्रेलियन फाख्ता, वोंग, रोवन शामिल हैं। कुछ बर्ड्स तो अपने घरों में आराम कर रहे थे और कुछ बाहर खुली फिजा का मजा ले रहे थे। कॉकटेल को वेरो बर्ड या क्वारियन भी कहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग परिंदे पालने के शौकीन होते हैं, वो कॉकटेल को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि दे आर इजी टू ब्रीड और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये है सन पराकीट, जिसको सन कॉर्नियर भी कहते हैं। ये कलर्ड पैरट नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये ब्राइट और डीप कलर्ड पैरट ब्लू ग्रीन फेदर्स और फेस में येलो ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन लिए हुए है। और आप लोग मेरी इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इसी कलरफुल बर्ड की पेंटिंग मुलाहिजा करेंगे। एक और एंगल से सन पराकीट। आप लोग ग्रीन पैरट के बारे में तो जानते ही होंगे। मोस्टली घर में इसी पैरट को एज अ पेट पैरट रखा जाता है। इसको रिंग नेकेड पैराकीट भी कहते हैं। ये रहा एक ओवरव्यू उस पिंजरे का। अब आप इस पिंजरे के में मौजूद बर्ड्स की आवाजों को करीब से सुन पाएंगे। इस शोर में भी कितना सुकून है। इन लोगों ने पिंजरे की एंट्रेंस पर डबल डोर लगाया हुआ था। पहले हम एक दरवाजा खोलते, उसको बंद करते, देन दूसरा दरवाजा खोलते और फिर उसको बंद करके बाहर आ जाते, ताकि कोई भी बर्ड वहां से बाहर ना जा सके। फिर मैंने इन बर्ड्स की खुराक के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाही, तो उन अंकल ने बताया कि इनका दाना बाजरा, मकई, चावल, सूजीमुखी और गंदम को मिक्स करके तैयार किया जाता है। एक पिंजरे में डॉग बंधा हुआ था जिसका नाम राखी था, और ये अपने नाम की तरह बिल्कुल भी फनी नहीं था, बल्कि थोड़ा गुस्से वाला था। जिन अंकल का ये फार्म हाउस है, वो बहुत ही बाजौक है, इसलिए उन्होंने इस फार्म हाउस की बैक साइड पर एक और पिंजरा, बहुत बड़ा वाला पिंजरा रखा हुआ था, जिसमें दूसरे पिंजरे से डिफरेंट और कुछ बड़े बर्ड्स भी रखे हुए थे। ये तो ग्रीन पैरट ही है, और इसके साथ जो बर्ड था वो था लोरी। लोरी रेम्बो कलर्ड बर्ड है, जो कि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लाइफ ड्यूरेशन 30 इयर्स है।
इसको ज़्यादातर लिक्विड फीड दी जाती है और इसके अलावा ये ब्लॉसम्स फ्लावर से भी अपनी फीड लेता है। ये है फिजेंट, जिसको चाइनीज फिजेंट और रेनबो फिजेंट भी कहते हैं। इसकी लेंथ मोस्टली 90 टू 105 सेंटीमीटर तक होती है और इसकी टेल इसके टोटल लेंथ के 2/3 साइज की होती है। और ये है मोर, जो कि उदास फिर रहा था। कितनी ही कोशिश की कि अपने पर खोल ले, पर उसने मेरी एक ना मानी। ये रहे रेनबो फिजेंट। ये उड़ना भी जानते हैं, पर ज़्यादातर ग्राउंड में चलना पसंद करते हैं, बल्कि चलना भी क्या, भागना पसंद करते हैं। मैं कितना ही इनके पीछे पीछे भागी कि इनको कैप्चर कर लूँ करीब से, पर वो मुझसे दूर चले जाए जा रहे थे। तो ये है एक ओवरव्यू उस बड़े पिंजरे का, जिसके अंदर कई छोटे पिंजरे समाये हुए थे। उन्होंने परिंदों के इस घर का एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। तो वहाँ से बाहर निकलकर हम एक तरफ को आए, जहाँ पर देसी बकरियाँ भी रखी हुई थीं और एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी बकरी वहाँ पर फिर रही थी। तो मैंने सोचा एक स्लो मोशन में भी इसका क्लिप बना लिया जाए। बकरियों के साथ ही एक और जगह थी जहाँ पर काफ़ी बड़ा तालाब बनाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ डक्स तैर रही थी। और मेरे साथ जो अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर मछलियाँ भी मौजूद हैं। खैर, मुझे नज़र तो नहीं आई। एक मुर्गा सेपरेटली रखा हुआ था, जिसके इर्द गिर्द काफ़ी ग्रीनरी थी। और अब चलते हैं पेंटिंग की तरफ। तो मैं बना रही हूँ सन पराकीत की पेंटिंग, जिसकी पिक्चर मैंने फार्म हाउस से ली थी। मैं इस बर्ड की एक सरसरी सी ड्राइंग कर रही हूँ, ताकि मुझे आउटलाइन मिल जाए और मुझे स्केच करने में आसानी हो। तो स्केच ऑलमोस्ट करीब ही है ख़त्म होने की। अब इसकी आई ड्रॉ कर दी मैंने जल्दी से, और अब साथ साथ मैं शुरू करने लगी हूँ इसकी स्केचिंग। और मैं मार्कर कलर्स का ही इस्तेमाल कर रही हूँ आज भी, क्योंकि ये पैरेट बहुत ही कलरफुल है और बहुत वाइब्रेंट कलर्स हैं इसके। मार्कर कलर्स काफ़ी ब्राइट लुक देते हैं, तो मैंने इसलिए इनका यूज़ किया। जहाँ जहाँ इस पैलेट में येलो कलर था, वहाँ वहाँ मैंने लगा दिया है, लेकिन वो भी शेडिंग की फॉर्म में ही लगाया है, सारा फिल नहीं किया है। और अब ऑरेंज मार्कर कलर के साथ मैं कहीं कहीं येलो को ब्लेंड करते हुए इस पर शेडिंग कर रही हूँ। अब रेड कलर मैंने लिया है और उसको मैं जहाँ मैंने डीप लुक देना है, वहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ऑरेंज के साथ। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर जस्ट मैंने लाइंस के साथ कहीं कहीं अप्लाई किया है, लेकिन वो अप्लाई करते ही इसमें थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट आना शुरू हो गया है। अब इसकी चोंच पे भी मैंने और आई पे भी मैंने ब्लैक कलर के साथ शेडिंग की है। अब फेदर्स की बारी है, तो मैंने सबसे पहले लिया है डार्क ग्रीन कलर। मैं डार्क ग्रीन कलर शेडिंग के साथ ही यूज़ कर रही हूँ, उसके साथ कहीं कहीं लाइट ग्रीन यानी पैरेट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। अब बारी है पर्पल कलर की। पर्पल थोड़ा डार्क भी है और ब्राइट भी, तो इसलिए मैंने ब्लू की बजाय पर्पल कलर को प्रेफरेंस दी है। तो जहाँ जहाँ मुझे डेप्थ चाहिए, वहाँ वहाँ मैं पर्पल कलर का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन शेडिंग के साथ साथ ही। अब बारी है पंजों की, लेकिन पंजों को भी मैं सारा फिल नहीं कर रही, बल्कि शेड कर रही हूँ। अब मैंने लिया है ब्लैक कलर और मैं ब्लैक कलर को वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क्स चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर अप्लाई नहीं कर रही, वरना वो डेड फीलिंग देता है। स्काई ब्लू के साथ थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर रही हूँ। बैकग्राउंड को मैं डिफरेंट कलर्स के साथ फिल कर रही हूँ, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलें फिर भी कुछ ना कुछ किया जाए बैकग्राउंड पर भी। तो मैं जस्ट ज़िगज़ैग लाइन के साथ इसको फिल कर रही हूँ, ताकि एक मज़े की फीलिंग आए और कलरफुल फीलिंग आए। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।